नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1993 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 35,000 को पार कर गई है। इससे मरने वालों की संख्या 1,147 हो गई है। इसके अलावा 8,888 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 459 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में 4300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,515 हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 2,625 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3 मई को खत्म होने जा रहे दूसरे लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन की पूरी सूची तैयार कर ली है। देश भर में 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। मजदूरों को घर वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय ने पहली विशेष ट्रेन आज चलाई। ये ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के बीच चलाई गई, जिसमें 24 डिब्बों में 1200 लोगों को ले जाया गया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि ऐसी और ट्रेन को चलाने का फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य का कोई भी श्रमिक या मजदूर जो लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, अपने राशन कार्ड के नंबर से वहां राशन ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। आज से गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर 162.50 रुपए सस्ता हो गया है, जिससे अब इसकी कीमत लगभग 581 रुपए हो गई है, जो पहले 744 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 774 रुपए से घटकर 584 रुपए हो गया है। मुंबई में यह कीमत 714 रुपए से कम होकर 579 रुपए हो गई है। कोरोना संकट को देखते हुए ATM के कुछ नियमों में आज से बदलाव किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार दिन में 2 बार ATM को सैनिटाइज करना होगा और जहां ऐसा नहीं होगा उस ATM को सील कर दिया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले होंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की गुजारिश की थी। बता दें, उद्धव ठाकरे इस समय विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। वह बिना चुनाव लड़े ही राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उनको 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को सुझाव भी दिया था कि वो कोरोना संकट के दौरान उद्धव को मनोनीत कर दें, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33,08,000 से ज्यादा है, जबकि 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,817 हो गई है और 385 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,95,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 63,000 से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,39,000 से अधिक है, तो 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में भी 27,900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही खुफिया एजेंसी की बात के उलट कहा है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में बना और उन्होंने इसके सबूत देखे हैं। इससे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ऑफिस ने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि COVID-19 किसी इंसान ने नहीं बनाया और ना ही उसे जानबूझकर पैदा किया गया। जर्मनी अपने यहाँ संग्रहालय, गैलरी, चिड़ियाघर और खेल के मैदान खोलेगा, साथ ही धार्मिक सेवाएं शुरू करने की अनुमति देगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने यह कदम उठाकर लॉकडाउन में ढील दी है, लेकिन ये सब कड़ी शर्तों के साथ होगा। ब्राजील में कोरोना वायरस के 7,218 रिकॉर्ड नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहाँ अब कुल मामले 85,380 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या 435 बढ़कर 5,901 हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।